हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी, आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमय मर्डर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मर्डर जिसने पूरे दिल्ली को दहला दिया था। दोस्तों चलिए बात करते हैं इस मर्डर के बारे में। ये है दोस्तों निक्की यादव मर्डर केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आपके सामने स्टोरी लेके आया था, अभी हाल ही में दिल्ली में साहिल खान नाम के लड़के ने साक्षी सिंह का जो मर्डर कर दिया था उसकी स्टोरी भी मैंने आपको वीडियो में दी थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उसी दिल्ली के इलाके की एक और वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ निक्की यादव मर्डर केस। स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं हम लोग सन 2018 की, जब निक्की यादव, तो दोस्तों मेन जो हमारे इस केस में विक्टिम था जिसका मर्डर हुआ था निक्की यादव, बात करते हैं उसकी। और इस पूरी वीडियो में आपको पता पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से एक कपल जो शादीशुदा कपल होता है उसके बारे में आपको पता पड़ेगा, फैमिली इशू के बारे में, फैमिली मेंबर कई लोगों के बारे में आपके सामने खुलासे होंगे कि किस तरह से एक मर्डर को दो से तीन लोगों ने पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ निक्की यादव जिसका जन्म दोस्तों गुड़गांव में हुआ था, ठीक है, गुरुग्राम में जन्म हुआ था उसका, और उसका जन्म हुआ था सन 2000 में। सन 2000 में जन्म लेने वाली निक्की यादव ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गुड़गांव हरियाणा में की, और उसके बाद उसे डॉक्टर बनने की छांव में वो आ गई दिल्ली के उत्तम नगर में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर में आकाश इंस्टीट्यूट में उसने अपना एडमिशन ले लिया और वो डेली अपना कोचिंग जाने लगी। और कोचिंग जाने के लिए उसने नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो डेली अपनी बस से अपनी कोचिंग जाया करती थी, और नॉर्मली वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी, इधर उधर ध्यान ना दे करके डेली अपने अपने जो पीजी जहाँ पे वो रूम लेकर रहती थी उत्तम नगर में, वहाँ से अपने कोचिंग जाना, कोचिंग से अपने वापस घर आ जाना, इतना ही उसका सफर था। लेकिन दोस्तों बात करते हैं, उसी बस के अंदर एक और लड़का ट्रैवल करता था जिसका नाम था साहिल गहलोत। जी हाँ दोस्तों, साहिल गहलोत नाम का लड़का भी उसी बस में ट्रैवल करता था। तो दोस्तों साहिल गहलोत का जन्म सन 1997 में हुआ था, मार्च के महीने में सन 1997 में उसका जन्म हुआ था, दिल्ली में ही नजागढ़ में जन्म हुआ था। दोस्तों बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली में लगभग 6 लोग थे, और उसी के नाम पर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर रखा था उसी के गांव में, खाओ पियो ढाबा। चलिए अब क्या होता है कि जो साहिल था उसको करनी थी एसएससी की तैयारी, और वो भी दिल्ली के उत्तम नगर में रहने आ जाता है, और वो भी अपनी कोचिंग जाने के लिए सेम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बस का इस्तेमाल करता है। तो दोनों लोग साहिल और निक्की दोनों बस में डेली सफर करते हैं, और इसी सफर के दौरान दोनों की नज़रें मिलती है। दोस्तों धीरे धीरे उनके बीच बात शुरू होती है, दोस्ती होती है, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तो लगभग 2018 के पूरे साल उनकी पढ़ाई भी करते रहते हैं दोनों, साथ साथ कोचिंग आते जाते रहते हैं, और दोनों का प्यार चलता रहता है। इससे भी ज़्यादा सन 2019 जहाँ उनका एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है साहिल का, और साथ ही बात करें तो निक्की का भी नीट का एग्जाम क्लियर नहीं पता, बट दोनों लोग निराश नहीं होते हैं और अपनी तैयारी को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, और दोनों क्या करते हैं साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों फैसला करते हैं कि अब हम दोनों लोग साथ रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि उनका एग्जाम नहीं निकलता, तो निक्की फैसला करते हैं कि अब मैं बीए ऑनर से इंग्लिश करूंगी, तो वो डॉक्टरी जो नीट का एग्जाम होता है उसका सामना छोड़ देती है, और साहिल भी नॉर्मल ग्रेजुएशन डी फार्मा ये जो कोर्स होता है वो करने लग जाता है 2 साल का। अब इसी बीच दोनों साथ रहने लगते हैं, यानी कि दोनों लिविन में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों के घर वालों को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि बात करें साहिल के घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था, अपने पापा को सारी बातें बताता, तो उसको बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर नॉर्मल किसी भी घर में गांव में अगर पता पड़ता है कि बच्चे लिविन में रह रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल अगर लिविन में आपने कई हिस्ट्री से अब धड़क मूवी भी आपने देखी हो, सैराट मूवी देखी हो, दोनों आपस से घर से भाग जाते हो, गोली भी मार दी जाती है, और हरियाणा जैसा एरिया हो, दिल्ली कहीं भी दोस्तों देखो पेरेंट गुस्सा हो जाते हैं, आप लोग ही सोच लो कि आप अगर घर से भाग जाएंगे तो क्या होगा, और लिव इन में रहने लग जाए भाई शादी करे बिना, अभी हमारे समाज में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हालांकि ये विदेशों से आए दोस्तों बिल्कुल बेकार चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में बच्चे यूथ रील्स मूवीज़ वगैरह देख के वैसे भी कर रहे हैं। चलिए इन सभी में दोनों साथ रहने लग जाते हैं, घर वालों को किसी के घर वालों को कुछ नहीं बताए। अब इसी बीच में क्या होता है, तो लगभग 2019 से लेकर के 2020 मार्च तक वो दोनों साथ रहते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में, जहाँ भी इन्होंने रूम ले रखा होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लग जाता है, तो लॉकडाउन लगने के बाद निक्की के फादर जो कि सुनील यादव जी हैं वो बोलते हैं अपनी बेटी को कि बेटी एक काम करो, लॉकडाउन लग गया है तो आप एक अपने घर आ जाओ। तो निक्की भी अपने पेरेंट्स की बात मानती है, अपने पिता की बात मानती है, और दोबारा अपने गाँव आ जाती है। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो साहिल से वादा लेते हैं कि तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, वीडियो कॉल पर बात करोगे, तो रोज़ आना। अब निक्की घर आ जाती है और डेली उनका यही बातचीत चलती रहती है। तो लगभग 2020 में जब लॉकडाउन में थोड़ी जून के बाद रिस्ट्रिक्शन खुलती है, तो निक्की बहाना करके आ जाती है दिल्ली कि मुझे काम है, पढ़ाई का रिलेटेड काम है, और साहिल भी दिल्ली आ जाता है, दोनों आ जाते हैं, और दोनों वहाँ से कहीं घूमने निकल जाते हैं। और इस घूमने के बीच में दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, और हम दोनों आपस में शादी करेंगे, और दोनों का प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ जाता है। उन दोनों के बीच फैसला ही हो जाता है कि हम लोगों को जीवन भर साथ रहना है, और इसके बाद निक्की अपने गांव दोबारा आ जाती है और साहिल भी अपने गांव चला जाता है। अब निक्की का क्या होता है दोस्तों, 2022 में जब, और बीच में दोस्तों उनकी बात चलती रहती है, आपको पता है लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल से प्यार में लगे थे, उनकी पढ़ाई भी चलती रहती है, और पढ़ाई के साथ में दोस्तों ऑनलाइन वीडियोस देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, कुछ भी अपना टाइम पास करते रहते हैं दोनों साथ में, बल्कि रामायण भी देखते होंगे, शक्तिमान चालू होता शक्तिमान देखते होंगे, तो दोनों का टाइम पास आराम से हो रहा था।
इसी बीच में दोस्तों 2022 में जब कोविड का रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हट गए तो निक्की दोबारा से दिल्ली आ जाती है और साहिल भी लेकिन अब साहिल दोस्तों अपने गांव रहने लग जाता है क्योंकि उसने अपना जो ढाबे का बिजनेस था टेक ओवर कर लिया और साथ ही साथ जो उसका डी फार्मा का कोर्स था दोस्तों वो भी कंप्लीट हो चुका था तो वो अपने गाँव में ही अपने घर में रहने लगा। लेकिन वो हर महीने 1-2-3 जितनी बार भी उसकी इच्छा होती थी वो लगभग दिल्ली में निक्की से मिलने आता रहता था। अब दोस्तों इसी बीच होता गया 2022 में उसके फादर यानी कि साहिल के फादर वीरेंद्र सिंह जी जिनका नाम था वो फैसला करते कि अब बेटा की डिग्री भी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है अपना बिजनेस भी संभाला है तो अब साहिल की पढ़ाई के होने के बाद अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। सभी घरवाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात को और अपने पिता को खुश देखकर साहिल भी उनसे कुछ नहीं कहता और वो अपने पिता को हाँ कर देता है कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ और उसकी शादी तय हो जाती है। उसके पिताजी ने वो कहते हैं ना चटमंगनी पड़ गया उसके बाद तो उसके पिताजी ने तुरंत लड़की देकर तुरंत उसकी शादी भी तय कर देता है। तो साहिल की शादी की डेट आती है 10 फरवरी। इसी बीच अब क्योंकि उसकी सगाई तो हो गई तो ऑब्वियस बात है कि जिस लड़की से उसकी सगाई हुई है फ़ोन पर उससे डेली बातचीत तो चलती रहती होगी तो इसी बीच में होता क्या है कि उसकी निक्की से बातचीत कम हो जाती है। लेकिन अब देखिए हमें ये नहीं पता था कि निक्की को इस बारे में पता था या नहीं पता था कि साहिल की सगाई तय हो चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। लेकिन अचानक 9 फरवरी की रात को निक्की को पता पड़ता है कि साहिल की 10 फरवरी को यानी कि कल शादी होने वाली है और वो साहिल को फ़ोन करके बुलाती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी शादी हो रही है और वो साहिल को बुलाती है। अब क्योंकि देखिए साहिल और निक्की आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो साहिल मना नहीं कर पाता और साहिल निक्की से मिलने के लिए आ जाता है उसके फ्लैट पर। वो वहाँ उसके फ्लैट पर आता है वहाँ से वो दोनों जाते हैं और दिल्ली के आसपास ही घूम रहे होते हैं बातचीत चल रही होती है वो उससे बात कर रही होती है। लगभग बात करें कश्मीरी गेट ISTC बस स्टेशन है वहाँ पे वो बस गाड़ी रोकता है अपनी कार जो वरना कार के अंदर जा रहे थे और निक्की उससे लड़ाई करने लग जाती है तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था हम दोनों आपस में प्यार करते थे तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो चलो हम यहाँ से कहीं भाग जाते हैं। लेकिन साहिल मना करता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता कल शादी है घर वालों की इज्जत का क्या होगा कैसे क्या करेंगे। और इसी बीच जो सुनने में आता है दोस्तों कि निक्की उसे धमकी देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी कल तुम्हारे शादी के प्रोग्राम आके मैं भखेड़ा खड़ा कर दूंगी। इस तरह से निक्की बात करती है और इसी बीच साहिल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गाड़ी की चार्जिंग जो पॉइंट होता है वहाँ लगी केबल होती है जो उसको जिससे मोबाइल चार्ज करते हैं कितनी पतली होती है उससे उसका गला दबा के उसे मार देता है। जी हाँ दोस्तों साहिल ने उसे गला दबा के मार दिया और जब उसे होश आता है कि क्या ये मैंने क्या कर दिया जिससे मैं इतना प्यार करता था मैंने उसे मार दिया। अब वो इधर उधर भटकने लगता है कि मैं क्या करूँ वो सोचता है कि मैं इसे पानी में धक्का दे दूँ नदी में गिरा दूँ लेकिन ऑब्वियस बात है लास्ट ऊपर तैर के आ जाएगी तो कैसे ना कैसे पता चल जाएगा। खाई से धकेलने के लिए भी मतलब वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है बट नहीं होता लेकिन अचानक उसे ध्यान आता है कि पास में ही गाँव में मेरा ढाबा है और उस ढाबे में फ्रिज भी रखा है तो वो क्या सोचता है कि मैं इस लाश को जब तक कल मेरी शादी हो जाए उसके बाद देखूंगा क्या करना है। जाता है वो अपने ढाबे खाओ पियो ढाबा वहाँ पे वो फ्रिज खोलता है नीले रंग का फ्रिज था दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं होता है नॉर्मल जो छोटा हमारे घरों में फ्रिज होता है लेकिन उसमें क्योंकि निक्की लाश पूरी नहीं आ रही तो ऐसा सुनने में भी आया कि उसने लाश के 2 टुकड़े करके फ्रिज में रखा। अब वो क्या करता है कि अभी पूरा रात तक कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों फ्रिज को पैक करके वो सुबह घर आ जाता है 10 फरवरी को शादी करता है और शादी करने के बाद में अपना गांव वगैरह चला जाता है। लेकिन इसी बीच क्योंकि देखिए निक्की रोजाना अपने घर पे अपने पेरेंट्स से बात करती थी एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वो अपनी बात नहीं करती क्योंकि उसके पिताजी ने खुद इंटरव्यू में ही बताया। अब जब उसके पिताजी यानी कि सुनील यादव जी के पास ये फ़ोन नहीं जाता है तो वो चिंता हो जाती है तो वो उसकी रूममेट को फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ बेटा निक्की गए तो निक्की की दोस्त उसे बताती है अपने उसके पेरेंट्स को यानी कि निक्की के पेरेंट्स को उसकी दोस्त बताती है कि वो तो मसूरी घूमने गई है क्योंकि उसे पता था वो कह के निकली थी कि मैं जा रही हूँ साहिल के साथ और उसने बोल के कही थी कि अगर मेरे घर से कोई भी पूछे तो बोल देना कि मैं मसूरी गई हूँ। अब 2 दिन 3 दिन 12 फरवरी 13 फरवरी 14 फरवरी हो जाती है जब वो नहीं मिलती। अब उसके पेरेंट्स चिंतित तो थे लेकिन पुलिस में FIR नहीं कराते लेकिन जब वो पुलिस में FIR कराना चाहते हैं तो इसी बीच एक घटना सामने आती है एक टिप मिलती है पुलिस को कि साहिल नाम के लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी है। अब पुलिस को भी लगता है क्या है क्या नहीं है तो DCP सतीश कौशिक जी है वो वहाँ पे अपनी एक टीम भेजते हैं कि देख के आओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जब पुलिस की टीम वहाँ देखने जाती है तो उन्हें दिखता है कि वाकई में साहिल नाम की लड़की ने निक्की नाम की लड़की का मर्डर कर दिया है और फिर ये बात पेरेंट्स को भी क्योंकि रिपोर्ट तो उन्होंने लिखाई दी थी तो ये बात निक्की के पेरेंट्स को पता पड़ती है और वो तुरंत आगे देखते और पता पड़ता है कि उनकी बेटी की तो हत्या हो चुकी है। अब दोस्तों क्यों ये हत्या की गई कैसे हुआ अब जैसे ही हत्या होती है तो पता पड़ जाता है साहिल ने की है तो पुलिस की टीम साहिल को पकड़ने जब उसके घर जाती है तो उसके घर पे कोई नहीं मिलता है। अब पुलिस जोरों शोरों से उसकी तलाश करना चालू कर देती है लेकिन अगले ही दिन यानी कि 15 फरवरी को पता पड़ता है कि साहिल अपने गांव गया है शादी के बाद पूजा करने के लिए और जैसे पुलिस को पता पड़ता है तो पुलिस साहिल को वहां से पकड़ के ले आती है। अब साहिल को पकड़ने के बाद जब पुलिस लेके आती है तो शाम होते होते साहिल अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है हालांकि उसने अलग अलग बात कही थी कि मैंने यहाँ गाड़ी रोकी वहाँ गाड़ी रोकी ऐसा हुआ लेकिन साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने ही निक्की की हत्या की है। लेकिन दोस्तों अब जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस के सामने बात आती है और जब वो अपने घर की छानबीन करने जाते हैं तो बात यह आती है कि जो साहिल था साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की हत्या नहीं की थी दोस्तों साहिल ने अपनी बीवी निक्की की हत्या की थी क्योंकि निक्की और साहिल की दोस्तों शादी हो चुकी थी
जी हाँ दोस्तों, जब पुलिस निक्की के घर की छानबीन करी थी तो उन्हें जो सर्टिफिकेट होता है फोटो मिली, जिसमें दिखाया जाता है कि निक्की और साहिल ने 10 अक्टूबर 2022 को ही शादी को आर्य समाज के जिस मंदिर में उन्होंने शादी की थी वहां के पुजारी ने भी कंफर्म किया कि इन दोनों बच्चों की शादी मैंने ही की थी। अब ये केस बिल्कुल अलग मोड़ ले लेता है, क्योंकि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था, साहिल ने अपनी वाइफ को मारा था। और जब साहिल की शादी की बात निक्की को पता पड़ती है तो वो एज अ गर्लफ्रेंड नहीं उसके पास नहीं गई थी, वो एज अ वाइफ गई थी कि तुमने तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है तो तुम दोबारा शादी क्यों कर रहे हो। तो अब होता क्या है दोस्तों, जब ये पूरी बात सामने आती है तब साहिल सच बताता है कि 9 फरवरी की रात को होता क्या है कि जब निक्की को ये सारी बात पता पड़ती है तो निक्की साहिल को बुलाती है कि तुम इधर आओ। साहिल जाता है बिल्कुल निक्की के फ्लैट पर, जाता है लगभग 11 बजे पहुंचता है और निक्की और साहिल के बीच बहस शुरू हो जाती है कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है। और साहिल बताता है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से करना पड़ रहा है, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है। तब निक्की उसे समझाती है कि आप तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारी शादी है, हम आज रात को ही भाग जाते हैं, गोवा या हिमाचल चले जाएंगे और उसके बाद हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और उसके बाद हम शादी करके वापस आ जाएंगे। वो लोग ये फैसला कर लेते हैं, लगभग 3 बजे वो अपने घर से निकलते हैं, यानी कि जो निक्की का फ्लैट था। और निक्की अपनी सहेली को कह देती है कि अगर मेरे घर से किसी का फोन आए तो उन्हें बोल देना कि वो मसूरी गई हुई है। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल, निक्की और साहिल अपने घर से निकल जाते हैं। और साहिल जब घर से निकलना होता है तब उसके जो ऑब्वियस बात है उसकी सहेली ने तो उसे देखा ही था और आसपास के कई लोगों ने भी साहिल को आइडेंटिफाई कर लेता। तो यहीं से टिप मिली थी कि साहिल उसके घर के आसपास आया था, जो मर्डर किया है वो साहिल ने किया है। चलिए बात करते हैं, साहिल जब अपने घर से निकलना होते हैं निक्की और साहिल, तो वो लगभग 3 बजे निकलते हैं और एक कश्मीरी गेट जो बस स्टैंड है वहाँ पर रुकने के बाद जब उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है और जब गोवा हिमाचल जाने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है तो निक्की बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और इस वजह से वो साहिल से लड़ने लगती है। और साहिल भी जिस गुस्सा हो चुका था बहुत ज़्यादा और उसने गुस्से में आकर के निक्की का मर्डर कर दिया। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या किया, मैं जिससे इतना ज़्यादा प्यार करता था मैंने उसी की हत्या कर दी, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा केस दोस्तों, जो केस का मोड़ आता है कि जब निक्की की हत्या कर दी तो साहिल के दिमाग में चला होता है कि कल मेरी शादी में क्या करूं, तो वो लगाता है अपने पिता को फ़ोन। जो यहाँ दोस्तों साहिल अपने पिता वीरेंद्र सिंह को फ़ोन लगाता है और जैसे ही वीरेंद्र सिंह को पता पड़ता है कि उनके बेटे ने किसी की हत्या कर दी है, वीरेंद्र सिंह उसे सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, इसकी लाश को लेकर के तुरंत अपने ढाबे पर आ जाओ। और यहां से साहिल निक्की की लाश को लेकर ढाबे की तरफ जाता है और वहां से वीरेंद्र सिंह और उसके घर के कुछ लोग भी वहां से निकल जाते हैं, जो कि अलग अलग गाड़ी में निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता पड़ता है अलग अलग गाड़ी में सभी लोग निकल जाते हैं और ढाबे पर पहुंच के वो उस लाश को वहां ठिकाने लगा देते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जब पुलिस को टिप वगैरह मिल चुकी थी कि अब जैसे वो क्योंकि जब निक्की की खोजबीन की जाती है तो पता पड़ता है कि निक्की यहाँ से गायब थी, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता पड़ता है कि कश्मीरी गेट तक दोनों साथ थे, टोटल केस सॉल्व हो जाता है और साहिल अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब उसके पिता भी उससे पूछते हैं, अच्छा जब निक्की अपने घर पर नहीं पहुँचती 11-12 फरवरी को, 10-11-12 फरवरी को, तो निक्की के पिता साहिल को भी कॉल लगाते हैं तो साहिल वही बात रिपीट करता है कि आपकी बेटी तो मसूरी गई है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो साहिल ने भी उसके पिता के सामने जब बाद में हुआ कबूल कर लिया कि जी हाँ मैंने ही आपकी बेटी को मारा है, और साथ ही साथ साहिल के पिता ने भी ये कबूल कर लिया कि आपकी बेटी को मेरे बेटे ने मारा है और हम सब ने उसका साथ दिया। तो ये थी पूरी दोस्तों निक्की मर्डर केस के बारे में सारी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। बात देखिए कितनी, अब कुछ जो बातें जो हम लोग हर बार वीडियो के बाद में करते हैं दोस्तों, देखिए आजकल के बच्चे सन 2000 में उसका जन्म हुआ था दोस्तों, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 22-23 साल की उम्र थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में बच्चे इतना बड़ा फैसला लेते हैं कि पेरेंट्स को बिना बताए लिव इन में रहने लग जाते हैं। दोस्तों आपके पेरेंट्स आपको 22-23-24-25 साल तक पालते हैं तो दोस्तों क्या उनका हक नहीं बनता, सिर्फ 1 साल की जो आपका लव अफेयर होता है जिससे भी आपको प्यार करते हैं उस प्यार के लिए आप अपने घर वालों को ताक पर रख देते हैं। और उसके बाद आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस, अभी हाल ही में साक्षी और साहिल का जो मर्डर केस, साक्षी मर्डर केस, और ये निक्की मर्डर केस जिसके बारे में मुझे पता पड़ा था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात आजकल की पेरेंटिंग में दोस्तों, आपके बच्चे वो तो नॉर्मल जो थी आज जो चल रहा है सोशल मीडिया पर चेंज हो ही चुके हैं, अब आपको भी चेंज होने की जरूरत है, अदरवाइज आप चेंज नहीं होंगे तो आपके बच्चों के साथ भी कल को यह हादसा हो सकता है। तो अपने बच्चों को भी जरूरी वीडियो दिखाएं, जितने भी आपके यंग जनरेशन उन सबके साथ में वीडियो शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर और हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।